हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लेक्चर नंबर 5। ओके, इसके पहले हम लेक्चर नंबर 4 तक कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 5 में भी हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पर इंटेंसिटी क्या होती है। अब हम आगे देखेंगे। चलिए, तो अभी हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमें पहला क्वेश्चन आज का करना है ना। आप क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, फाइंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ गिवन आर्क। आपको मैं एक आर्क दिखा रहा हूँ, आपको उसके सेंटर पर इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, ये सेंटर है, ये आर्क यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ये सेंटर है, ये आर्क यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। ऐसे ये देखिए, ये एक आर्क है और ये कैसा आर्क है आप जानते हैं, इसको क्वार्टर आर्क बोलते हैं हम। आपको क्वार्टर आर्क के सेंटर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखा था पिछले बार कि आपने कुछ पार्ट इंटेंसिटी का कैंसिल हो रहा था, बट इस बार इंटेंसिटी का पार्ट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि कोई कैंसिल करने वाला इधर वाला हिस्सा है नहीं। आप जानते हैं ये जो हिस्सा था कल, अब इधर कुछ भी नहीं है, इसलिए ये इंटेंसिटी का पार्ट कैंसिल होगा। मैं बता देता हूँ कि ये हिस्सा था तो जिसके कारण इंटेंसिटी, अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा तो आपको पता होगा, बट ये अब हिस्सा नहीं है, इस वजह से इंटेंसिटी कैंसिल नहीं होगी। तो आपको इस आर्क की वजह से इंटेंसिटी निकालनी है। आइए सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। तो वही तरीका है कि सेंटर पर आपको निकालनी है, तो यहाँ पर एक छोटा सा मास आप जो है ये डीएम मास यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास कोई मास डीएम है। ओके, और आपको सेंटर पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये एक यहाँ पर इस डीएम मास का मान लीजिए जो सबटेंडेड एंगल है वो कितना है, डी थीटा है। ओके, और ये जो डीएम मास है यहाँ से इस लाइन से थीटा एंगल पे ऊपर बैठा हुआ है। ओके, इसको हमने कंसीडर किया है। सो वी हैव कंसीडर द मास डीएम एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द दिस बेस रेडियस। तो अब देखिए, जो इंटेंसिटी का वेक्टर जनरेट होगा वो यहाँ की तरफ जनरेट होगा, बिकॉज आप जानते हैं कि मास की तरफ होता है हमेशा ऑलवेज, तो इंटेंसिटी वेक्टर यूं जनरेट होगा। अब इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट हो रहे हैं, ये देखिए, यदि इंटेंसिटी वेक्टर यूं जा रहा है, सो अगर इफ दिस एंगल इज थीटा, सो वी कैन रिजॉल्व दिस इंटेंसिटी इन द टू पार्ट्स, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। ओके, ई साइन थीटा, ये हमने इसको कंपोनेंट वाइज ब्रेक कर लिया है। वेल, इसको हम ई नहीं कह सकते, मैं यहाँ पे एक बात बताऊँगा कि इसको हम डी ई कहेंगे, बिकॉज ये छोटा सा पार्ट है। सो मोर बेटर मैं इसको ग्रीन पेन से लिखता हूँ कि आपको दिखाई दे, सो इट वुड बी डी ई। ओके, सो द कंपोनेंट विल बी डी ई साइन थीटा एंड द होल इंटेंसिटी फॉर मास डी एम कुड कंसिडर्ड एज डी ई। सो द रेजोल्यूटेड वैक्टर्स आर डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। नाउ, सो अब हमारे पास ऑल टोटल इंटेंसिटी हमको निकालनी है, ई एक्स, जो कि एक कंपोनेंट हमारा पूरा का पूरा, सारे जितने भी मास यहाँ पर हम लेते जाएंगे तो सारे एक्स कंपोनेंट एडअप होते जाएंगे इधर तरफ, कंसिडर ई एक्स है, और सारे जो वाई कंपोनेंट हैं इंटेंसिटी के वो एडअप होते जाएंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी हमको दो पार्ट में मिलने वाली है, सम पार्ट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, सम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो लेट्स इंटीग्रेट द इंडिविजुअल इंटेंसिटी बाय अ मास डीएम एंड कैलकुलेट द टोटल इंटेंसिटी गाइज। सो आइए करते हैं, इंटेंसिटी को हम इंटीग्रेट करते हैं। सो वी हैव ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, बिकॉज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी इज डी ई कॉस थीटा। ओके, सो ई एक्स इक्वल्स टू इंटेंसिटी डी ई की वैल्यू जी डी एम अपॉन रेडियस, हमने कैपिटल आर मानी है और इसका पूरे का मास हमने क्या माना है, आर्क के लिए मैं लिख देता हूँ, ये जो आर्क है इसका टोटल मास है एम एंड टोटल रेडियस है आर। सो जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर है नियर कॉस थीटा। ओके, अब देखिए हमको यहाँ पे रिप्लेस करना है डीएम को, डीएम को रिप्लेस करना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं आपको डीएम को, मैं कैसे रिप्लेस करूंगा। ओके, देखिए, तो डीएम जो है अपने पास में, जो डीएम मास है वो कितनी लेंथ का है, सबसे पहले आप ये समझो
ये एंगल अपने पास डी थीटा है और ये डीएम है। यदि मैं बात करूं इसके लेंथ ऑफ आर्क की, सो आप जानते हैं एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। सो यहाँ पे एंगल डी थीटा है आर्क की लेंथ में, सपोज एल ले लेता हूँ एंड रेडियस कितनी है आर, सो एल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा, ये आ गया अपने पास एल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा। मतलब यहाँ पर ये जो आपके पास ये रेडियस आर है इसका, ये भी आर है, तो ये जो पार्ट आया है लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लेंथ कितनी आई है, दिस इज आर डी थीटा। तो क्या मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि डी एम मास की जो लेंथ है वो है आर डी थीटा, सो यूनिट मास की जो लेंथ होगी इक्वल्स टू आर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एम, मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट मास की लेंथ नहीं, यूनिट लेंथ का मास मुझे निकालना है, उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे। चलिए कैसे लिखूँगा मैं, आर डी थीटा लेंथ का मास कितना है डी एम, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा डी एम अपॉन आर डी थीटा, ये क्या है मास ऑफ यूनिट लेंथ। इसको आप इक्वेशन नंबर ए दे दो चाहो तो, मास ऑफ यूनिट लेंथ, ओके तो ये एक मास ऑफ यूनिट लेंथ ही आ चुका है। अब दूसरा आप देखो यहां पर जो आपके पास टोटल लेंथ है उसका मास आपको कितना दिया गया है कैपिटल एम, और टोटल लेंथ कितनी है ये इसका पैरीमीटर, तो पैरीमीटर कितना होगा 2πr/4, सो 2πr/4 का कैपिटल मास है कैपिटल एम, सो πr/2 हो जाएगा, मतलब कि πr/2 लेंथ का जो मास है, पाई कैपिटल r/2 लेंथ का मास कितना है एम में, सो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा πr/2 डिवाइड कर देंगे तो 2m ऊपर चला जाएगा और πr नीचे आ जाएगा, ये है यूनिट लेंथ का मास, ओके अब इन दोनों रिलेशंस को देखिए, दोनों एक ही बात कहते हैं, ये यूनिट लेंथ का मास dm अपॉन rd थीटा एंड यूनिट लेंथ का मास 2m अपॉन πr, सो dm अपॉन rd थीटा इज इक्वल्स टू 2m अपॉन πr, r से r कैंसिल हो जाएगा, ओके यहाँ से हम dm की वैल्यू निकाल सकते हैं, dm इज इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए 2m, ओके 2m अपॉन पाई और यहाँ पर d थीटा, तो यहाँ पे हमारा dm की वैल्यू आ चुकी है, ओके dm की वैल्यू आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू यहाँ पे dm की। अब इस dm की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर a में रिप्लेस कर दीजिए, ओके डीएम ये, तो जी अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ई एक्स जो बनेगा वो जी अपॉन आर स्क्वायर तो पहले से ही बाहर आ जाएगा, केवल क्या बनेगा कॉस थीटा इंटू डीएम बनेगा, तो मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू, सो ई एक्स इक्वल्स टू जी अपॉन आर स्क्वायर आई थिंक था ना यहाँ पे जी अपॉन आर स्क्वायर, हाँ बाहर हो गया, कॉस थीटा की जगह मैं कॉस थीटा प्लेस कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डीएम की जगह 2 कैपिटल एम अपॉन पाई, ओके डी थीटा बिल्कुल सही है, 2 कैपिटल एम अपॉन पाई डी थीटा। अब लिमिट भी मुझे लगानी पड़ेगी क्योंकि थीटा यहाँ पे वेरिएबल है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है, तो देखिए थीटा जो चेंज होगा वो इधर पे कितना होगा 0 डिग्री से लेकर के 90 तक जाएगा, ओके बिकॉज कंप्लीट एंगल 90 बन रहा है थीटा का, सो थीटा की लिमिट आप यहाँ पर सेट कर दीजिए 0 to 90 0 to π/2 रेडियन सिस्टम में, सो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, कैपिटल एम बाहर आएगा, कैपिटल जी तो ऑलरेडी बाहर है, आर स्क्वायर भी बाहर है और केवल ओके तो 2m कैपिटल g अपॉन r स्क्वायर और पाई भी बाहर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही चल रहा है, और आपको इंटीग्रेट करना है तो cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है sin थीटा, और लिमिट लगेगी 0 से लेके π/2, सो इट इज विल बी 2M कैपिटल g अपॉन πr स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए sin थीटा की वैल्यू 1 sin 90 - 0, सो आंसर आ गया कितना 2M कैपिटल g अपॉन πr स्क्वायर, तो ये है हमारे पास इंटेंसिटी 2 कैपिटल g कैपिटल m अपॉन πr स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास ex,
ई एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, टू कैपिटल एम कैपिटल जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर आप ई वाई निकालेंगे तो उसका भी सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक ना। ई वाई कैसे निकालेंगे बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, है ना। ये ई एक्स आपने निकाला अभी तक, है ना, ई वाई की अब बात करता हूँ मैं। तो जो ई वाई निकलेगा वो डी ई साइन थीटा के इंटीग्रेशन से मिलेगा। जो ई वाई होगा वो कैसे मिलेगा, टोटल डी ई साइन थीटा के इंटीग्रेशन से। ई एक्स तो आपने देख लिया, ई एक्स आपने देखा वो कॉस थीटा के इंटीग्रेशन से मिला, परंतु जो ई वाई मिलेगा वो आपको साइन थीटा के इंटीग्रेशन से मिलेगा। ई एक्स की वैल्यू आपने देख ली है 2mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो एक बार फिर मैं आपकी याददाश्त के लिए लिख देता हूँ कि ई एक्स के लिए हमने फाइनली क्या किया, हमने जी अपॉन आर स्क्वायर हमारा कॉन्स्टेंट था, 2m अपॉन पाई हमारा बाहर आ गया था ऑलरेडी, और हमने कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया कितने से लेके, जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में। सो हमारा आंसर आ गया था 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आया है ई एक्स का, ठीक है। अब यदि मैं ई वाई की बात करूं कि ई वाई कैसे निकालेंगे, तो ई वाई इज इक्वल्स टू, वही तरीका रहेगा अपने पास में, ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई साइन थीटा, ठीक है ना, डी ई वाई साइन थीटा। तो और डी ई वाई की आप वैल्यू जानते हैं, वही कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, सॉरी यहाँ पे डी एम आएगा, डी एम अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे साइन थीटा। फिर आप इसको फिर से डी एम को रिप्लेस करेंगे तो कहानी घूम फिर करके यहीं पे आ जाएगी, टू जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर केवल बचेगा क्या, साइन थीटा, और जिसकी वैल्यू हो रही है चेंज कहाँ से लेकर के, जीरो से लेके पाई बाई टू तक, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है जीरो से लेके पाई बाई टू। तो चलिए इसका भी इंटीग्रेशन लगे हाथों कर लेते हैं, तो ई वाई इज इक्वल्स टू टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस थीटा, तो माइनस साइन बाहर हो गया, और कॉस थीटा जीरो से लेके पाई बाई टू। सो ई वाई इक्वल्स टू माइनस टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, कॉस पाई बाई टू जीरो माइनस कॉस जीरो वन, तो कुल मिला करके ई वाई का कंपोनेंट, ई वाई जो वेक्टर है कंप्लीट कितना आ जाएगा, टू जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहाँ मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, सॉरी बच्चों मैंने वेक्टर कह दिया है। सो हमने यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया है, टू जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों वेक्टर के हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, अब फाइनली होगा क्या ये देखना है आपको, कि जो आपके पास सेमी सर्कुलर आर्क था, नहीं सेमी सर्कुलर आर्क नहीं, ये था क्वार्टर, ये जो क्वार्टर आर्क था, आपने जो देखी कि इंटेंसिटी जो ब्रेक हुई है उसकी कुछ हिस्सा यहाँ ब्रेक हुआ है एंड कुछ हिस्सा यहाँ ब्रेक हुआ है वाई डायरेक्शन में ई वाई, क्योंकि हमने कंपोनेंट रेजोल्यूट कर लिए थे। सो यदि मैं अगर इसकी इंटेंसिटी के वेक्टर्स की बात करूँ, द इंटेंसिटीज आर कितना होगा, इंटेंसिटी इंटेंसिटी इक्वल्स टू टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज माइनस आई कैप एज द वैक्टर इज गोइंग बैकवर्ड, ओके अपोजिट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यू कैन से नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो गिविंग द वैक्टर माइनस आई कैप एंड ई वाई वैक्टर जो होगा टू जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव जे कैप, ओके। सो ये हमारे पास कंप्लीट वैक्टर हो चुका है, दो पार्ट में हमारे वैक्टर यहाँ पे जनरेट होकर के आ चुके हैं, ओके। सो यदि मैं कंप्लीट वेक्टर लिखूं, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्लीट वेक्टर जो लिखा जाता है ई वेक्टर इक्वल्स टू कंप्लीट वेक्टर, ई वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ई एक्स ओके प्लस वेक्टर ई वाई, रिजल्टेंट फॉर्म में लिखूंगा मैं। सो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा टू जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस टू जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर जे कैप, ये हो गया कंप्लीट वेक्टर, इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। यदि हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहना पड़ गया कंप्लीट वेक्टर ई का, सो आप जान रहे हैं कि एज ई एक्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ई वाई का मैग्नीट्यूड, तो सो ई का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का हम स्क्वायर रूट लेके अंडर रूट, मतलब अगर आप लोग वेक्टर की समझ रखते हैं तो आपको पता होगा कैसे करते हैं हम लोग। यदि मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज इसको ई आई कैप
ई एक्स इसको कैसा लिखा जा सकता है, ये देखिए आपने देखा है वेक्टर ई इज इक्वल्स टू ई एक्स वैक्टर प्लस ई वाई वैक्टर, ठीक है ना, ई वाई वैक्टर। तो यदि हम मैग्नीट्यूड ऑफ ई निकालेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर आप इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो दोनों क्वांटिटी सेम है, ई एक्स और ई वाई दोनों के मैग्नीट्यूड एक्चुअली बराबर हैं, ई एक्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ई वाई का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे भी ई एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे भी ई एक्स का स्क्वायर, तो इंटायरली सॉल्व होकर के इट विल बी ई एक्स रूट टू, ई एक्स रूट टू। तो फाइनली आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, टू रूट टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर किलोग्राम, ये होगी इसकी इंटेंसिटी। ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छा डेरिवेशन आपने सीख लिया है ना, से एक आपके पास जो आर्क है, जो क्वार्टर आर्क है उसके का इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो यहाँ पे दोनों पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, ई एक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है और ई वाई भी इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए नोट कर लीजिए। ओके गाइस, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, फाइंड इंटेंसिटी ई। ओके, क्वेश्चन बनाइए अभी सब लोग। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड इंटेंसिटी ई एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ एन आर्क। आप आर्क में आपके सामने बना रहा हूं, आपको आर्क के सेंटर पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये एक आर्क है, इसके सेंटर पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सपोज ये इसका सेंटर है, ओके, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, एंड इसका जो मास है, मास इज इक्वल्स टू कैपिटल एम, और यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल बन रहा है इस आर्क का, ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज फाई, एंगल जो सेंटर पे बन रहा है, सेंट्रल एंगल जो है इसका कितना है, फाई है। तो आपको फाइंड करनी है इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द आर्क, ओके, सेंटर ऑफ द आर्क। तो ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा जो मास है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द बाउंड्री ऑफ दिस आर्क, ओके, ये इसके ऊपर जो मास है, ये पूरा का पूरा मास यहाँ से लेकर के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड आवर टास्क इज टू फाइंड द इंटेंसिटी। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर है बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टोटल एंगल जो आपके पास ये सेंटर में है, सेंटर में जो आपको टोटल एंगल दिया गया है वो कितना है, फाई है। ओके, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे कि हम इस आर्क को आधा आधा बांट लेते हैं सेंटर लाइन से। सो हाफ ऑफ द एंगल, यहाँ वाला एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ वाला एंगल जो हमारे पास है वो बन जाएगा फाई अपॉन टू, और इधर का भी जो एंगल, हाफ ऑफ द एंगल बचेगा वो फाई अपॉन टू बचेगा। ओके, तो ये जो एंगल हमारे पास बनेगा येलो कलर का, ये भी कितना होगा, फाई बाई टू। अब देखो आपको अब क्या करना है, अब आपको एक सेगमेंट लेना है डीएम मास का। तो मैं यहाँ पे एक डीएम मास का सेगमेंट ले रहा हूँ, ओके, ये सपोज ये आपके पास में वो सेगमेंट है डीएम मास का, एक बहुत ही इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल सेगमेंट विद मास स्मॉल डीएम, ये आपके पास स्मॉल डीएम मास का है। अब इसकी बाउंड्रीज बनाइए, तो ये इसकी बाउंड्री यहाँ पर जा रही है, सेंटर लाइन से मिला देता हूँ मैं, ये एक इसकी ये बाउंड्री हो गई, एंड द अदर बाउंड्री इज लाइक दिस, ये हो गई इसकी सेकेंड बाउंड्री। ओके, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बीच में, इसको मैं ले लेता हूँ डी थीटा, ये हमारी मदद करेगा, डी थीटा में एंगल ले लेता हूँ, और ये जो सेगमेंट है ये सेंट्रल लाइन से कितने एंगल पे दूर है, थीटा एंगल पे दूर है। देखिए काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं, उनको मैं एक बार फिर से रिकॉल कराना चाहूँगा कि सेंट्रल लाइन से ये जो सेगमेंट है वो कितना एंगल दूर है, थीटा एंगल दूर है, और इसका जो खुद का जो स्पैन है, जो खुद फैला हुआ है जो मास, उस मास का जो एंगल बन रहा है सेंटर पर वो कितना है, डी थीटा। ओके, अब आइए देखिए हमको करना क्या है, आप समझिए कि जैसा हमको डीएम मास यहाँ पे है सेम वैसा ही हमको डीएम मास यहाँ पर भी मिलेगा। ओके, और बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें होंगी वहाँ पे भी,
बट मीन वाइल मैं इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनाना चाहूँगा इस डीएम के लिए। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस डीएम के लिए कैसी होगी आप जान सकते हैं वेरी इजी। ये डीएम यहाँ पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन डीएम के लिए ये निकलेगी डीई, ये निकलेगी डी। तो काफ़ी सारा वर्क मैंने कर दिया, बहुत सिंपल हो चुका है ये। सो हो क्या रहा है, यदि मेरे पास ये सेंटर है, सेंटर का नाम ओ है, तो मैं यदि बनाऊँ इसको क्वार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो ये ओ है यदि, तो एक डी ई वेक्टर यहाँ पर जाएगा और साइमल्टेनियसली जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो भी कहीं ना कहीं इक्वल अमाउंट का वेक्टर डी ई जनरेट करेगा। तो सेम एंगल पे अगर ये थीटा एंगल पे डी ई इधर जनरेट हो रहा है तो थीटा एंगल पे डी ई इधर भी जनरेट होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, थीटा एंगल पे डी ई लेफ्ट साइड में भी जनरेट होगा, बेशक बिल्कुल जनरेट होगा। ओके, डी जनरेट कौन करने वाला कौन है बॉडी, डी जनरेट करने वाला है डीएम मास। ओके, डीएम मास जो है, जो इस तरीके से बाउंड्री आपको दिख रही है ऊपर वाले डायग्राम में, ये डीएम मास इधर भी जनरेट कर रहा है और इधर भी एक छोटा सा जो डीएम मास होगा इनफाइनाइटिसिमली डिफरेंशियल मास विल जनरेट डीएम हियर इन, डी ई जनरेट होगा दोनों तरफ। अब आप देखिए ये डी ई जो है इसके दो कंपोनेंट आप रेजोल्यूट कर लो, एक टूटेगा डी ई, ये देखो ये इधर की तरफ थीटा है तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट टूटेगा वो टूटेगा डी ई कॉस थीटा और नीचे वाला कंपोनेंट टूटेगा डी ई साइन थीटा, क्योंकि थीटा से दूर जो कंपोनेंट होता है वो साइन होता है। ऐसे सेम टू सेम यहां पर देखिए, यहां पर इस डी ई की वजह से ये कंपोनेंट इधर पे टूटेगा डी ई कॉस थीटा और यहां पर टूटेगा डी ई साइन थीटा। डी साइन थीटा डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज दे आर अपोजिट टू द ईच अदर, इक्वल इन अमाउंट एंड मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। सो नाउ आपके पास जो कंप्लीट कंपोनेंट टूट रहा है वो कहां तक, कौन सा है, वो डी कॉस थीटा है। मतलब इंटीग्रेशन जो हमको इंटेंसिटी मिलेगी वो हमको किसके इंटीग्रेशन से मिलेगी, वो डी कॉस थीटा को हमको सम करना पड़ेगा, यानी उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं नेट इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ओके, डी कॉस थीटा तो ई इज इक्वल्स टू डी ई की वैल्यू रख देता हूँ कैपिटल जी, ओके, डी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, ये डी ई की वैल्यू हो गई, छोटी सी डिफरेंशियल इंटेंसिटी और कॉस थीटा। अब देखिए आपको डी एम मास को यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो वही पुराना मेथड है, रिप्लेस करेंगे डी एम मास को किस अप्रोच से। देखिए ये जो आर्क है, आर्क कितने एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, फाई। ओके, तो आर्क की लेंथ मैं निकाल लेता हूँ, ओके, और रेडियस कितनी है, आर है, तो आर्क की लेंथ और रेडियस आर, यदि मैं अप्रोच यहाँ पे ये लगाता हूँ फाई एंगल के साथ में, तो एक अप्रोच ये है, लेंथ एल है एंड टोटल मास इसका कितना है, एम है, टोटल मास कितना है, कैपिटल एम है। सो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द मार्क आर्क कैसे निकलेगा, देखिए लेंथ ऑफ द आर्क, एल लेंथ का मास, एल अपन को आर्क की लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, सो फाई इज इक्वल्स टू आर्क की लेंथ है एल अपॉन कितना, आर हो गया। सो यहां से एल इक्वल्स टू कितना हो गया, फाई आर, ठीक है, L इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास कितना, फाई मल्टीप्लाइड बाई आर। एक चीज तो ये हमारे पास आ चुकी है, फाई मल्टीप्लाइड बाई आर, मतलब जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, फाई इंटू आर, ठीक है। फाई आर लेंथ का मास कितना है, m है, फाई आर लेंथ का मास, द मास ऑफ द लेंथ फाई आर इज इक्वल्स टू m, सो मास ऑफ यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू m अपॉन फाई आर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे पास आ चुकी है कि यूनिट लेंथ का मास है m बाई फाई आर। अब जो दूसरी डिफरेंशिएशन अप्रोच है वो क्या है, वो ये है कि डी एल लेंथ जो है आपके पास में ऊपर यहाँ पे जो आपने डी एल डी एम मास लिया है, ठीक ना, उसकी जो लेंथ है उस लेंथ को आप क्या सपोज कर लो, डीएल सपोज कर लो, यहाँ पे जो थोड़ा सा आपने लेंथ लिया था उसे आपने डीएल सपोज कर लिया है, ठीक ना। तो डीएल लेंथ का मास कितना है, डीएल लेंथ का मास है डीएम। अब डीएल लेंथ एग्जैक्टली है कितनी पहले आप
उसे निकाल लो। तो DL लेंथ एग्जैक्टली है कितनी, आइए उसको हम निकालते हैं। तो कैसे निकलेगी, देखिए DL लेंथ ये कुछ सीन ये था, यहाँ पे डी थीटा एंगल था, यहाँ पे कितना था R था। तो आपको पता होगा फॉर्मूला आर्क इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, या एंगल इज इक्वल्स टू डी थीटा इज इक्वल टू आर्क DL अपॉन रेडियस। सो DL इज इक्वल्स टू हो जाएगा RD, एंगल कितना था ये डी थीटा था, ये डी थीटा बिल्कुल सही। सो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, DL यानी कि RD थीटा जो है उसका मास कितना है, DM है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, DM अपॉन RD थीटा। इसको रिलेशन नंबर 2 दे दो। देखिए दोनों ही यूनिट लेंथ के मास हैं, जो फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, दोनों ही क्या है, यूनिट लेंथ के मास हैं। सो मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ कि m अपॉन फाई आर इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन आर डी थीटा। मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ कि m अपॉन फाई आर कैपिटल R इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन आर डी थीटा। सो यहाँ से R से R कैंसिल और DM की वैल्यू मुझे मिलने आ गई है, DM इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन फाई, ओके, और डी थीटा ऊपर चला जाएगा। सो ये DM की वैल्यू आ गई। ये जो DM की वैल्यू आई है, आपको इज इट इज इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, ओके। तो मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ, आगे कैलकुलेशन को प्रोसीड करूँगा। E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो G तो कॉन्स्टेंट है, चलो बाद में कर लेते हैं G, ओके, और DM की जगह वैल्यू रख देता हूँ। DM की जगह वैल्यू आई कितनी, MD5 अपॉन फाई, ओके, अपॉन आर स्क्वायर भी था तो अपॉन आर स्क्वायर ये डाल दिया, और क्या था, कॉस थीटा था, कॉस थीटा बिल्कुल सही। यहाँ पे मैंने गलती से डी फाई लिख दिया, यहाँ पे डी थीटा है, तो मैं इसे डी थीटा करने जा रहा हूँ, डी थीटा। अब क्या कर सकते हूँ मैं, तो जो कांस्टेंट है उनको आप बाहर ले लीजिए। सो जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, और फाई एंगल भी बिल्कुल फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, फाई एंगल भी बाहर आ जाएगा। अब बच गया हमारे पास में क्या, अंदर कॉस थीटा, और जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, ये तो आपको डाइग्राम में समझ में आएगा। देखिए आर्क कुछ यूं था, सेंटर ये था, और सेंटर पर कंप्लीट एंगल कितना बन रहा था, फाई। तो फाई को यदि मैं देखूं यहाँ से -5/2 यहाँ और 5/2 यहाँ, मतलब हाफ पार्ट में ब्रेक हो गया था। फिर से क्लियर करूँगा, देखिए ये फाई एंगल टोटल था, तो 5/2 इधर था और 5/2 इधर था, मतलब जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको इस लेंथ से इस लेंथ पे जाना है यहाँ से। सो आपके पास जो एंगल ट्रेस होगा आपका, कितने से ट्रेस होगा, -5/2 से लेके +5/2। सो जी एम अपॉन आर स्क्वायर फाई तो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कितना, यहाँ पर मैं लिखूँगा -5/2 बिकॉज लेफ्ट वाला एंगल इधर है, माइनस मान लीजिए इसको, और ये +5/2, हमें इतना एंगल ट्रेस करना है -5/2 से लेके +5/2। आइए ट्रेस करते हैं एक बार, फिर से मैं लिख देता हूँ हमें क्या लिखना है, इक्वल्स टू कैपिटल जी एम आया है, आर स्क्वायर फाई आया है, और इंटीग्रेशन के अंदर कॉस थीटा है, और जो थीटा की ये वैल्यू मूव कर रही है -5/2 से लेके +5/2, ओके। चलिए तो अब जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर फाई, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का, और यहाँ पे डी थीटा होगा, भाई मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे भी डी थीटा, बिकॉज सारी हमने लड़ाई डी थीटा को ही लाने के लिए तो करी है, तो डी थीटा नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, सो इसलिए डी थीटा लाना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर हो गया ये साइन थीटा, और लिमिट -5/2 से लेकर के +5/2, ओके। सो जी एम अपॉन आर स्क्वायर फाई, और यहाँ पे वैल्यू मैं लिख देता हूँ, देखिए साइन 5/2 माइनस साइन, लोअर लिमिट है -5/2, आपको पता है कि साइन माइनस साइन को बाहर फेंक देता है, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस को प्लस कर देगा। सो जी एम अपॉन आर स्क्वायर फाई, और दोनों प्लस होने के बाद बना देंगे 2 sin 5/2, ओके। सो आपके पास जो एंगल आएगा कितना आ गया, फाइनली एंगल नहीं, इंटेंसिटी बोलना चाहता था मैं, तो आपके पास जो इंटेंसिटी आ गई, 2 को बाहर ले जाइए, 2 GM
अपॉन आर स्क्वायर फाई साइन फाई बाई टू। ये है आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर एनी ऑफ द आर्क। आपके पास कोई भी आर्क है, आप यदि ये मान करके चलेंगे कि उसका सेंट्रल एंगल फाई है, सेंट्रल एंगल फाई है, तो इंटेंसिटी आपको ये मिलेगी। और इस रिजल्ट को आप याद करने के बाद आपको कोई अलग से रिजल्ट याद करने की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देख लेते हैं, इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अभी आपने जो आर्क के कारण फाई आर्क के कारण जो इंटेंसिटी निकाली है वो कितनी निकाली है, ई आपने कितनी निकाली है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, वेक्टर फॉर्म में किस तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखिए जो इंटेंसिटी के एक्स कंपोनेंट थे हॉरिजॉन्टल वो तो कैंसिल हो गए थे, ये दोनों कैंसिल हो गए थे, केवल वर्टिकल कंपोनेंट बचा था। तो जो ई का फाइनल वेक्टर जनरेट होगा वो अपवर्ड जनरेट होगा। तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, ई इज इक्वल्स टू 2gm अपॉन आर स्क्वायर फाई साइन फाई बाई टू, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, जे कैप। ये वेक्टर फॉर्म में इसका कंप्लीट रिजल्ट बनेगा। अब इसका महत्व देखो, इसका यूटिलाइजेशन देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए। यदि मैं पर्टिकुलर केस लेता हूँ फॉर हाफ ऑफ द रिंग, हाफ रिंग, ओके, जो हमने कल देखा था फॉर द सेमी सर्कुलर आर्क, तो ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, और इस सेमी सर्कुलर आर्क में अगर इसको आप फाई के दृष्टिकोण से देखें, सो फाई इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री, ओके। सो फाई यहाँ पे टोटल 180 डिग्री है सेमी सर्कुलर आर्क की फॉर्म में। सो 180 डिग्री को रेडियन में लिखना पड़ेगा, बिकॉज एसआई यूनिट का जमाना है। सो फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री रेडियन में पाई हो गया। अब चलिए इसके सेंटर पर हम इंटेंसिटी निकालते हैं, तो ई इक्वल्स टू 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर फाई, फाई मतलब कितना हो गया, पाई, ओके। सो 2gm अपॉन आर स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर फाई की वैल्यू पाई, एंड साइन फाई बाई टू मीन साइन पाई बाई टू, तो वैल्यू निकालता हूँ मैं 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड साइन पाई बाई टू कितना होता है, 1 होता है, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया इसका, 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, हम लोगों ने कल ये सॉल्व किया था, इंटेंसिटी फॉर हमने निकाली थी सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, और ये बिल्कुल सही आ रही है, इतनी ही निकाली थी, 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कुलर आर्क के लिए। हम लोग देख चेक कर सकते हैं, हाँ ये देखिए वो लास्ट क्लास का डेरिवेशन है, 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, जो हमने इंटेंसिटी निकाली थी फॉर अ सेमी सर्कुलर आर्क, 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पर हमने मैनुअली इंटेंसिटी निकाली थी, है ना, इस तरीके से dm dr लेकर के सॉल्व किया था, और इसके सेंटर पर इंटेंसिटी हमारी निकल गई थी 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। बट आज हमने विद द हेल्प ऑफ ये फार्मूला, एक शॉर्टकट कह लीजिए इसको, इस शॉर्टकट का यूज़ करके हमने ये इंटेंसिटी निकाल ली है, ओके, ये देखिए। और फिर से एक मैं शॉर्टकट लगाता हूँ फॉर क्वाड्रेंट के लिए, लगाता हूँ इस फॉर्मूले को, क्वाड्रेंट के लिए मैं नेट इंटेंसिटी देखता हूँ। क्वाड्रेंट के लिए नेट इंटेंसिटी क्या होगी, जो आपने देखा था इस तरीके से, ये क्वाड्रेंट था, तो यहाँ पर जो एंगल आपके पास में कितना है, यहाँ पे एंगल फाई बाई टू है, यानी कि फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो जो इंटेंसिटी है ई का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2gm अपॉन, है ना, सो 2gm अपॉन आर स्क्वायर फाई, 2gm अपॉन आर स्क्वायर फाई, ऊपर ही तो लिखा है, 2gm अपॉन आर स्क्वायर फाई एन साइन फाई बाई टू, एन साइन फाई बाई टू, तो फाई बाई टू, चलो कोई नहीं, एक लाइन और सही। सो 2gm अपॉन आर स्क्वायर फाई की जगह कितना है, पाई बाई टू, तो 2 पलट करके ऊपर आ जाएगा, एन साइन फाई बाई टू यानी फाई का हाफ, यानी कि कितना, पाई बाई फोर। तो चलिए इसको सॉल्व करता हूँ, तो 2 इंटू 2 हो गया 4gm, 4g कैपिटल m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और 1/√2 से आप इसको कैंसिल कैसे करोगे, वही वापस करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे gm लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इंटू 1/√2 है, तो √2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, √2 टाइम्स, तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 2√2 जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है, 2√2 जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इंटेंसिटी निकाली थी क्वाड्रेंट की, तो ज़्यादा दूर नहीं है हम, 2√2 जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्या बात है, बिल्कुल सही इंटेंसिटी मैच हो रही हमारी, 2√2 जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारी वैल्यू आ चुकी है क्वाड्रेंट की इंटेंसिटी की वैल्यू, 2√2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि जो हमने फाई के लिए इंटेंसिटी निकाली है,
है ना, जो फाई के लिए इंटेंसिटी निकाली है 2gm, है ना, क्या निकाली है फाई के लिए इंटेंसिटी 2gm अपॉन आर स्क्वायर फाई, 2gm अपॉन आर स्क्वायर फाई एंड साइन फाई बाय 2। आप इसको याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। ओके डन। सो गाइज, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत और बढ़िया डेरिवेशन लेकर के आएंगे, तब तक हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।